हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13 का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। इसका कमेंट आया हुआ है कि सर क्वेश्चन नंबर 19 20 21 22 बताइए, तो 22 ही बता रहे हैं, समय का अभाव है। ठीक है, तो 22वां बता रहे हैं, डॉक्टर मनोहर के बुक से लिया गया है। ठीक है, और ये हमारा कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर है, तो इसको भी आप लोग अगर वो व्हाट्सएप पे कोई भी सवाल फंसता है तो कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी जो है मैथ का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेमी वर्षा हुई। एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। यदि इस घाटी का क्षेत्रफल 7,280 किलोमीटर स्क्वायर है तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के समान पानी के योग के समतुल्य थी। माने यह जो घाटी की वर्षा थी यह 3 नदियों के पानी के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी 1072 किमी लंबी, 75 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरी है। मैंने नदी का जो है ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है प्रत्येक नदी का, क्योंकि इसमें 3 नदियां हैं। ठीक है, तो प्रत्येक नदी का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें नदी का जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो नदी का जो आयतन ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद से जो क्या करेंगे इस वर्षा का आयतन ज्ञात कर लेंगे और दोनों का जगह देख लेंगे कि जो है कि क्या आयतन समान आए हैं कि नहीं आए हैं, बस यही काम करना है। तो यहाँ पे जो हमने लिख लिया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए हल में जो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हल में जो दिया है वो लिख लेंगे ताकि जो है सवाल लगाने में आसान रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि घाटी में पानी की जो ऊंचाई है, भाई 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, इसका मतलब पानी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और घाटी का क्षेत्रफल दिया है 7,280 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है इस नदी में पानी का अगर आयतन निकालें तो पानी का जो है आयतन क्या होगा, तो जो है देखिए आयतन जो है क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई भी होता है। ठीक है, आयतन का सूत्र जो है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई भी होता है, क्योंकि देखिएगा कभी भी आयतन के सूत्र में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल हो सकता है ना, और गुणा ऊंचाई, तो यानी कि क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई भी जो है ये नदी का जो है आयतन का जो है सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम नदी का जो है पानी का आयतन निकाल लेते हैं। तो नदी के पानी का आयतन जो है निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं कि 15 दिन में हुई वर्षा का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 दिनों में हुई वर्षा कितनी है, यानी कि वर्षा का आयतन निकाल लेते हैं। तो वर्षा का आयतन, तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन तो 15 दिनों में हुई वर्षा का आयतन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। तो भाई अभी हम बताए हैं कि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया, गुणे ऊंचाई ये भी हो सकता है सूत्र। तो क्षेत्रफल कितना है, ये दिया हुआ है कि क्षेत्रफल जो है 7,280 जो है किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ जो है किलोमीटर में तो ये है ही, और ऊंचाई हम लोगों का सेंटीमीटर में है, तो ऊंचाई सेंटीमीटर में है, तो इसको किलोमीटर में हम लोगों को कन्वर्ट करने के लिए 10 अब बटे जो है क्या करना पड़ेगा, 10 बटे जो है क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे देखिए समझ लीजिए कि देखिए 10 सेंटीमीटर हम लोग का ये डायमेंशन दिया है ना, 10 सेंटीमीटर पानी की ऊंचाई है, तो 10 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 बटे 100 होगा। ठीक है, 10 बटे 100 मीटर हो जाएगा, माने अगर इसको जो हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 10 बटे 100 मीटर होगा। ठीक है, 10 बटे 100 मीटर को अब किलोमीटर में चेंज करना है, तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1000 और भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, तो इस प्रकार 10 सेंटीमीटर को हम लोग कितना किलोमीटर लिख सकते हैं, तो 10 बटे 100 अगुणे 1000। भाई 10 बटे 100 किया तो मीटर में हो गया, और फिर 10 बटे 100 गुणा 1000, मतलब 1000 से और गुणा कर देंगे तो 1 किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में हो गया इतना। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका इसमें गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 7,28,00, अब बटे में जो क्या हो जाएगा, इसका जो है इसमें गुणा कर लेते हैं तो 100 और जो है 5
जीरो इसमें हो जाएगा, ठीक है, 5 जीरो इसमें हो गया, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए 3 जीरो है ना इसमें, तो 3 अंक दशमलव इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगले स्टेप में इससे इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा पॉइंट में 728, पॉइंट में 728 किमी क्यूब, पॉइंट 728 किमी क्यूब, अब आयतन हो गया ना, तो किमी क्यूब जो है आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो किमी क्यूब, आयतन हमेशा जो है घन में होता है, तो इतना जो है किमी जो है वर्षा जल का जो है आयतन हो गया, ठीक है। अब जो है देखते हैं क्या नदी का आयतन इसके बराबर आता है, तो अब नदी का जो है क्या आयतन निकाल लेते हैं, तो नदी का एक नदी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 3 नदियां हैं तो एक नदी का यहाँ पे लिखेंगे, एक नदी नदी का आयतन का आयतन आयतन कितना हो जाएगा, तो एक नदी का आयतन हो जाएगा आपका, आयतन बराबर क्या होता है, तो लंबाई अगुणे लंबाई गुणे चौड़ाई अगुणे ऊंचाई होता है ना, ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे, तो नदी का जो है देखिए लंबाई दिया हुआ है कितना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नदी का लंबाई 1072 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1072 किलोमीटर, ठीक है। और चौड़ाई देखिए, तो चौड़ाई 75 मीटर है, तो 75 मीटर में 1000 से भाग देंगे, तो किलो क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना, तो देखिए अब मीटर को किलोमीटर में तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब वही जो है किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 75/1000, 75/ क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। और ऊंचाई, तो ऊंचाई देखिए 3 मीटर में दिया था, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया गया है, तो इसमें जो है 1000 से भाग दिया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/1000, ठीक है। ये भी जो है दिया गया था पहले से ही, तो इसको हमने जो पहले ही लिख दिया है, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1072 गुणे क्या हो जाएगा 75, अब सब किलोमीटर में हो गया है, 75 गुणे 3, अब बटे में जो है क्या हो जाएगा 1000 का जो है 6 जीरो हो जाएगा ना, 6 जीरो, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको जो हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है टोटल में जो है क्या करेंगे, मैंने इसका गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो इसका गुणा करके इससे भाग दे देंगे, और देखिए एक नदी का आयतन इतना है, तो हम लोग तीनों नदी का आयतन निकाल लेते हैं। तो पहले एक नदी का आयतन समझ लीजिए फिलहाल में इतना हो गया, तो 3 नदी का जो है आयतन कितना हो जाएगा, 3 नदी का आयतन क्या करना पड़ेगा भाई, 3 नदी का आयतन भाई, एक का आयतन पता है आप लोगों को, तो 3 का जो आयतन पता करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, आयतन कितना होगा बता सकते हैं, तो इसमें 3 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 1072 अगुणे 75 अगुणे 3 अब बटे में हो जाएगा 6 जीरो, 3 और 3 6, ठीक है। तो अब जो हम लोग क्या करेंगे, इसका सबका आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं इसका आपस में, तो इसका आपस में गुणा करने पर क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए इसका जो है 3 तो रहेगा ही, और इसका इसमें आपस में गुणा कर देंगे, 75 × 3 × इतना 1072, तो ये आ जाएगा आपका 24 1 200, ठीक है। अब बटे में जो क्या रहेगा, तो 6 जीरो, ठीक है, तो 6 जीरो, हाँ बटे में, ठीक है। अब देखिए 3 का फिर इसमें भी तो गुणा होगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा 2041 और 200, कई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख, यानी कि 241200 हैं। अब इसका इसमें गुणा होगा हैं, अब बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है क्या करेंगे, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7236 और 00, अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, ये 1 और 6 जीरो, ठीक है। तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए इसका, अब जो है दशमलव में देखिए कितना, अब नीचे जो है 4 जीरो है, तो दशमलव जो है इधर 4 अंक भगेगा इधर, ठीक है। तो 4 अंक भगाइए, 1 2 3 4, तो यानी कि यहाँ पे दशमलव लगेगा, तो इसको इससे अगर हम लोग भाग देते हैं तो लिख सकते हैं पॉइंट में 7 3 और 7 2 7 2 3 6 7 2
36 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यह आयतन देखिए ये भी जो है किमी क्यूब होगा। ठीक है, किमी क्यूब होगा। तो यह आयतन देखिए और यह आयतन देखिए जो वर्षा का जल का आयतन है, तो लगभग जो है क्या है, समतुल्य है भाई। पॉइंट में 728 है और ये जो है पॉइंट में 7236 है। ठीक है, तो लगभग जो है क्या है, समतुल्य है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं इसको जो है भाई, इसको जो है अब यहाँ जो है बस इसी से इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि कुल वर्षा तीनों नदियों के, कुल वर्षा तीनों नदियों के पानी के योग के समतुल्य है। कुल वर्षा तीनों नदियों के पानी के योग के समतुल्य है। नदियों के पानी के योग के समतुल्य है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम। भाई समतुल्य का मतलब लगभग लगभग बराबर नहीं है, माने लगभग लगभग समतुल्य है, बराबर है। ठीक है, तो इति सिद्धम यही लिख देंगे, इति सिद्धम यही हम लोगों को सिद्ध करना था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता था तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री अपकास्ट है, सब्सक्राइब करने का कोई खर्चा नहीं। और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन सब्सक्राइब लिखा होगा तो उसी पे जाके एक बार क्लिक कर दीजिएगा, मात्र एक बार क्लिक करना है। ठीक है, और वीडियो को अच्छा लगे तो जो है लाइक भी कर दीजिएगा और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स होगा, कमेंट बॉक्स में और जो भी सवाल फंसता है आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।